ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो, जो हमने कल टॉपिक किया था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम वाला, आई थिंक वो सभी को क्लियर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब इसमें देखो, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी है, इस केस में मेरे पास क्या होगा, जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव करेंगे तो एक लेयर दूसरी लेयर को कुछ मोमेंटम प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, किसी का इंक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके कारण जो हमें फिनोमेना ऑब्जर्व होता है उसको हमने नेम दिया विस्कोसिटी। ठीक है, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना बोलते हैं उसको, कोई किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा। तो कल जो हमने किया था दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम था, और आज जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जिस बच्चे को कल वाला टॉपिक क्लियर नहीं है ना, वो आज वाले दोनों टॉपिक वो नहीं करेगा। ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब ये लेक्चर जरूर लगा लो, जिन्होंने वो कल वाला लेक्चर नहीं देखा रिकॉर्डर देख लेना, उसके अंदर लगभग 80% बिल्कुल सेम है, बस एक्स को वाई में चेंज करना है, वाई को जेड में चेंज करना है, बस इतने ही सही टॉपिक हैं ये तीनों। अगर फर्स्ट आपको क्लियर है तो सेकंड और थर्ड आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अब देखो, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फिनोमेना दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। अब जो हीट एनर्जी है वो किस तरह से जो अपने पास ट्रांसफर हो रही है इस केस के अंदर, अब अगर हीट जो अपने पास एनर्जी है उसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप हीट एनर्जी को आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट करोगे। अब इसके अंदर देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। अब ना बच्चे, इसके अंदर क्या है मेरे पास, अब इसके अंदर ऐसा होगा कि अगर मेरे पास कुछ कंटेनर वगैरह है, सपोज कर लो। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं जिनके पास जो एनर्जी है वो मेरे पास, ये मान के चलो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी जो ई की वैल्यू है वो है लार्ज, एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स इसके नीचे हैं और जिनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी मेरे पास है कम है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, कम है, दैट इज ई जो है इनका वो लेसर है, ई की वैल्यू इनकी क्या है, लेस है। ठीक है, अब होगा क्या कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हाई एनर्जी कंटेंट है, ये जो रेड कलर में मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू कलर्स वाले हैं उनकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है वो उस, ठीक है ना, जैसे देखो इस रीजन के अंदर जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, जैसे ये ऊपर वाला रीजन है ये ग्रीन रीजन हो गया, और जो नीचे है वो आपका सारा रेड कलर वाले एटम्स ऊपर रह गए मॉलिक्यूल्स, और ब्लू वाले नीचे हैं। अब क्या होगा कि जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है और जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम है, बिकॉज ऐसा ही होगा। आप कोई गैस कंटेनर आपने ले रखा है तो उसके अंदर आप चाहे हीट भी कर रहे हो फिर भी उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, बिकॉज क्योंकि हर एटम की, हर मॉलिक्यूल की अपनी थर्मल एनर्जी होती है। तो अगर थर्मल एनर्जी अलग अलग होगी ना, थर्मल एनर्जी तो उनके पास चाहे आप प्रोवाइड भी करवा रहे हो फिर भी वो एनर्जी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो अब जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो किस साइड ट्रेवल करेंगे, वो क्या करेंगे, जिनकी एनर्जी कम है उनको वो अपनी एनर्जी क्या करवा देंगे, थोड़ा सा पार्ट ऑफ एनर्जी उनको सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये एनर्जी रेड में एनर्जी ज्यादा है तो ये ब्लू कलर वाली साइड एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों रेड मॉलिक्यूल्स और ब्लू मॉलिक्यूल्स दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया, जो इक्विलिब्रियम है वो हमने अचीव कर लिया। क्लियर है, जो हमने कल किया था वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, तो अगर वेलोसिटी का डिफरेंस होगा तो जो आपके पास हाई वेलोसिटी वाली जो लेयर है वो लो वेलोसिटी वाली लेयर को कुछ मोमेंटम प्रोवाइड करवाएगी, तो उस हम फिनोमेना को बोलते हैं दैट इज योर विस्कोसिटी। एंड इन दिस केस जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो अपनी एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, तब हम क्या बोलेंगे कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, एनर्जी सेम हो जाएगी, तो एनर्जी सेम होने के बाद एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी क्या होती है, 1/2 kT स्क्वायर, अगर काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हो तो 1/2 mv² सॉरी बच्चे यहाँ पे आएगा mv² 1/2 mv² यही होती है ना काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर सिंपल हम एनर्जी लिखेंगे तो अगर आपको याद है स्टार्टिंग में हमने किया था
एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो हमने क्या लिखा था, जैसे एफ बाय 2 kT, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हमने टॉपिक किया था तो वहां पे आ गया ना, एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ होता है। आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जो रेड मोलिकुल्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा है, ब्लू मोलिकुल्स की एनर्जी कम थी, तो रेड वाले ब्लू को अपनी एनर्जी क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, और कुछ टाइम के बाद में दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एंड इस फिनोमेना का हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन के एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही, जैसे कल मोमेंटम थी वो वेलोसिटी का डिफरेंस था, यहाँ पे आज एनर्जी का डिफरेंस है, तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है वो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है उनको अपनी एनर्जी क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, और कुछ टाइम के बाद में दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। तो इस फिनोमेना का हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट कोफिशियंट फाइंड करना है, कल हमने विस्कोसिटी कोफिशियंट फाइंड किया था, आज हमने हीट कोफिशियंट फाइंड करना है। अब देखो, जैसे कल हमने किया था कि जो मोमेंटम वाला टॉपिक था उसके अंदर हमें हमारे पास क्या डिफरेंस आया था कि वेलोसिटी का डिफरेंस था दो 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 लेयर्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे दो लेयर्स के अंदर किसका डिफरेंस होगा, दो लेयर्स के अंदर हीट का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब सपोज करो कि ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, सॉरी बच्चे मैं रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, ये मेरे पास सेकेंड लेयर है। ठीक है, ये फर्स्ट होगी और ये सेकेंड, मान के चलो यहाँ पे जो हीट है वो आपके पास थीटा है और अपर जो हीट है वो आपके पास है थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे ना क्यू भी आपने कहीं ना कहीं लिखा है और थीटा लिखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक थीटा है और एक क्यू आएगा, क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन जो सॉरी हीट ग्रेडियंट निकालना है तब वहां पे आपने थीटा यूज करना है, ना कि क्यू यूज करना है वहां पे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे जैसे हमने कल निकाला था हीट कोफिशियंट निकालोगे, सॉरी हीट ग्रेडियंट निकालोगे, तो वो कैसे निकालते हैं, वो आपका आएगा थीटा प्लस डी थीटा डिवाइड बाय सॉरी माइनस थीटा, और इससे डिवाइड क्या करोगे, इन दोनों लेयर्स के अंदर जो डिस्टेंस होती है, कल भी हमने डी जेड ली थी, आज भी हम क्या लेंगे, डी जेड कंसिडर करेंगे। तो थीटा से थीटा कट गया, तो आपका जो हीट जो आपके पास ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा, डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये मेरे पास क्या आएगा, दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हीट ग्रेडियंट हमने निकाल लिया कि हीट ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड है। ठीक है, डी थीटा बाय डी जेड है। समटाइम मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने यहाँ पे क्यू लिख रखा है, इसको डी क्या हुआ है। ठीक है, तो ये डी थीटा है। ठीक है, जब भी कहीं पर भी अगर डी बाय डी जेड लिखा है ना, तो वहां पे आपको बस क्लियर रखना कि ये क्यू नहीं आएगा वो थीटा है, अगर डी बाय डी जेड लिखा है तो उसके ऊपर जो क्यू नहीं है वो थीटा है, बाकी कहीं पे आएगा तो वो क्या हुआ आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड, इसको हम बोलेंगे दैट इज द हीट ग्रेडियंट। कल हमने निकाला था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो आया था डी वी डिवाइड बाय डी जेड, सेम चल रहा है केस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जैसे हमने कल किया था कि जो नंबर डेंसिटी होती है वो मेरे पास क्या होती है, ये रही मेरे पास एन डिवाइड बाय वी होती है नंबर डेंसिटी। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, ये वी इस साइड चला जाएगा, तो एन इंटू वी हो जाएगा। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ द लेयर क्या है और उसकी लेंथ क्या है लेयर की। ठीक है, उसके बाद में लेंथ हमने कल निकाली थी कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और इसी डिस्टेंस को हम लेंथ बोल रहे हैं, एल बाय टी आ गया। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमने स्पीड कंसिडर कर रखी है, स्पीड कौन सी है, एवरेज है, सी बार आ गया, तो वो क्या आ जाएगा, एल बाय टी। तो यहाँ से अगर एल निकालोगे तो आपका आंसर आएगा सी बार इंटू टी, ये चीज क्लियर है। तो ये L की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये देखो L की वैल्यू क्या आ गई, सी बार इंटू टी। ठीक है, फिर जैसे हमने कल किया था कि जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर निकालने हैं, तो इस इक्वेशन में से जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में से ये एन रहा, इस एन को डिवाइड कर दो एरिया और टाइम से, एन डिवाइड बाय ए इंटू टी, तो आपका क्या आ जाएगा, एन इंटू सी बार। इसमें किसी को कंफ्यूजन, क्लियर है, तो ये आ गया एन डिवाइड बाय ए टी इज इक्वल टू एन सी बार। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं वो एन सी बार है। जैसे कल करवाया था कि ये तो सभी डायरेक्शंस में है, इन ऑल डायरेक्शंस एक्स वाई जेड में, लेकिन अगर मैंने ये फाइंड करना हो कि वो सिर्फ एक्स में कितने जा रहे हैं, तो एक्स में क्या हो जाएगा, ये रहा एन सी बार बाय थ्री, थर्ड पार्ट जो टोटल का थर्ड पार्ट हो जाएगा ना इसका, तो यहाँ पे वाई में एन सी बार बाय थ्री, जेड में क्या हो जाएंगे, एन सी बार बाय थ्री। और कल मैंने एक्सप्लेन किया था
कि एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि ये दोनों मेरे पास क्या कर रहे हैं, दैट इज ये दोनों जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो मेरे पास क्या है, दैट इज एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि पार्टिकल्स या मोलिकुल्स आर मूविंग इन बोथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये फाइंड करना है कि वो सिर्फ एक्स में कितने ट्रेवल कर रहे हैं, पहले तो ये देखो कि जो एन सी बार बाय थ्री है, दैट इज एन सी बार डिवाइड बाय थ्री, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस एक्सिस में मूव कर रहे हैं, प्लस एक्स में और आल्सो माइनस एक्स में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये फाइंड करना है कि ओनली प्लस एक्स में कितने हैं, तो टोटल का हाफ कर दोगे और इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा, एन सी बार डिवाइड बाय सिक्स। तो इसमें इट दैट मीन्स कि ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, एन सी बार बाय सिक्स, यहां तक जैसे हमने कल किया था सेम एज इट इज, क्लियर है। तो अब फिर हमने सेम वही करना है, हमने अब लेयर्स कंसिडर करनी है। अब यहाँ पे जो हम लेयर कंसिडर कर रहे हैं, मान के चलो जैसे हमने कल लेयर कंसिडर की थी, सेम हम लेयर कंसिडर कर रहे हैं। ये देखो मेरे पास जो हमने लेयर कंसिडर कर रखी है ये रही यहाँ पे, तो दिस वन इज योर ई एफ लेयर है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक, दोनों कलर ब्लैक हो चुके हैं तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा इसके अंदर। तो ये मेरे पास सेकेंड लेयर है, ए बी लेयर है, और ये आपके पास लेयर कौन सी है, सी डी लेयर, ठीक है, जैसे कल किया था। अब ए बी लेयर को हमने बेस मान के चल रहे हैं, कल हमने वेलोसिटी ली थी, लेकिन आज हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो अब जो ए बी है उसका जो आपके पास जो उसके आप हीट कंसिडर कर सकते हो, जो हीट कंटेंट है वो आपके पास क्या है, थीटा है, ठीक है। और जो अपर वाली लेयर होगी उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या है, लैम्डा है, कल भी लिया था, मीन फ्री पाथ है। और जो नीचे वाली लेयर है ए बी और ई एफ, उनके अंदर भी जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा है। ये चीज क्लियर है। अब जैसे कल किया था, कल भी हमने ये किया था कि जो अपर वाली लेयर है यहाँ ऐसा ही होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है वो आपके अपर वाली साइड होंगे, कंटेनर के ऊपर वाली साइड मोर हीट कंटेंट। देखो सीडी जो लेयर है उसका जो हीट कंटेंट है वो ज्यादा है, और जो सेंटर वाली है वो तो हमने बेस मान रखा है तो उसका तो आपने थीटा लिया है। उसके बाद में जो बिल्कुल नीचे वाली है ई एफ है, उसका हीट एनर्जी क्या होगी, कम होगी, हीट कंटेंट कम होगा। तो ये क्या लिख रखा है, लेस हीट कंटेंट। तो कल जैसे फाइंड किया था ये थीटा है, नीचे वाले की वैल्यू कम है, तो क्या करोगे, थीटा माइनस लैम्डा इंटू डी थीटा बाय डीजेड, क्योंकि डी थीटा बाय डीजेड हमने अभी निकाला है वो क्या है, आपका हीट ग्रेडियंट है। और ऊपर वाली लेयर की वैल्यू क्या है, उसका हीट कंटेंट ज्यादा है, तो थीटा में ज्यादा है तो कुछ वैल्यू ऐड करोगे। अब ऐड क्या करना है, जैसे कल हमने किया था, कल लैम्डा डीबी बाय डीजेड ऐड किया था, बट आज ये वाली सिचुएशन नहीं है, आज हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, आज हीट है, तो क्या ऐड करोगे, लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय डीजेड, या तो इसको ऐड करोगे या इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड कब करोगे, जो अपर वाली लेयर है उसमें ऐड कर दो, जो लोअर लेयर है उसमें आपने क्या करना है, माइनस करना है। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन के क्यों अपर वाली लेयर में ऐड किया है, क्यों लोअर में ऐड किया है, लोअर में माइनस किया है, बिकॉज जो अपर वाली लेयर्स होंगी ना कंटेनर के अंदर, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो आपके पास लोअर वाले मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ए बी को हमने बेस कंसिडर करना है, और अभी हमने फाइंड किया कि ये जो पार्टिकल है ये हमने ये कंसिडर कर रखे हैं ओनली ए बी लेयर में मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कौन सी एक्सिस में मूव कर रहे हैं, प्लस एक्स एक्सिस में। तो प्लस एक्सिस में अगर ए बी लेयर के लिए मैंने फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए बी लेयर के लिए क्या आएगा, एन सी बार बाय सिक्स, हमने अभी फाइंड किया एन सी बार बाय सिक्स आएगा ना, क्लियर। अब अगर ये निकालना है कि जो ए बी लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास हीट कितनी है, ठीक है, उनके पास हीट कितनी है, तो वो हीट जो है ना आपके पास, हमेशा याद रखो जो हीट है तो उसके लिए आपको हीट कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। हमने स्पेसिफिक हीट आई थिंक आपने शायद नहीं कर रखी, नहीं करवाई आपको स्पेसिफिक हीट, सी वी और जो रिलेशन किए थे हमने सेकंड थर्ड यूनिट में, सी वी और जो आपके पास सी पी था, ये है ना सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होगा, दोनों के रिलेशन किए थे। तो वो जो कोफिशियंट है ना, वो जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है। अब वो देखो वो आप किस वैल्यू को यूज करोगे, ये तो चीज क्लियर है ना कि ए बी लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन नंबर कितना है उनका, एन सी बार बाय सिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब अगर हमने नंबर तो हमें पता है, लेकिन अगर मैंने हीट कंटेंट निकालना है, द हीट कंटेंट कैरिड बाय पार्टिकल्स ऑन लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हमेशा याद रखना हमने स्टार्टिंग में ये कर रखा है n डिवाइड बाय at, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो थ्रू आउट दिस एक्सप्रेशन जो आप ड्राइव कर रहे हो, हमेशा
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमने यही सिचुएशन रखनी है, चेंज नहीं करनी आपने नंबर ऑफ। अगर आपको बाय चांस कंफ्यूजन लग रही है तो वो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इसी के अंदर आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो हीट कंटेंट है वो किसके इक्वल आएगा, अब हीट कंटेंट यहाँ पे हमने लिखना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे वो लिख लिए, एन सी बार बाय सिक्स, ए बी लेयर के लिए लिख रहा हूं मैं, ए बी लेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, एम है, अब स्पेसिफिक हीट कितनी चाहिए, अब वॉल्यूम हम कॉन्स्टेंट रखेंगे ना। अगर आपने कोई एक कंटेनर स्टार्टिंग में कंसिडर कर लिया उसकी वॉल्यूम वी है तो वो फिर वॉल्यूम वी ही रहेगी, आप एनर्जी किसी की ज्यादा है किसी की कम है वो चीज अलग केस हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही है ना अपने कंटेनर की, वॉल्यूम ना तो इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, जो आपने स्टार्टिंग में साइज कंसिडर किया था जो उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो आपकी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, वॉल्यूम रहेगी सेम। इसीलिए जो स्पेसिफिक हीट आप लोगे वो क्या लोगे, सी इंटू सी सॉरी सी बी लोगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसके साथ हमें उस लेयर का ए बी लेयर के लिए हीट कितनी ली थी हमने, हीट कंटेंट जो था वो क्या था, थीटा था ना, तो यहाँ पे थीटा के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, पहले ये आपके पास एन सी बार बाय सिक्स ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ए बी लेयर के ऊपर वो हमने फाइंड किया, फिर अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है वो आपका एम है, अब उस मॉलिक्यूल के पास हीट कितनी है वो आपके पास है थीटा, लेकिन उसके साथ सीवी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, वो क्यों आई है, क्योंकि सीवी अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में हमने जो यूनिट किया था थर्ड वन में उसके अंदर हमने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास सीवी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है ना, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू एनी सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये माइनस हीट है जो हमने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए अप्लाई किया है, तो वो यहाँ पे काउंट होगी इसकी, ठीक है ना, कि उसके पास वो कंटेंट है कितना, तो वो हमें यहाँ पे काउंट करना होगा। तो ये आ गया टोटल आपके पास ए बी लेयर के लिए जो आपका हीट कंटेंट है वो आ गया ये वाली वैल्यू, ये आपका बेस है ए बी लेयर जो है हमने इसको बेस कंसिडर कर रखा है, ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद में देखो, अब डायग्राम देखो, अब क्या होगा, ये मेरे पास ए बी लेयर के लिए हमने निकाल लिया ए बी लेयर के लिए, अब जिसका कंटेंट ज्यादा है जैसे ये सी डी लेयर है, अब ये क्या करेगी, ये अपनी हीट कुछ इस साइड ट्रांसफर करेगी, ठीक है, इस साइड ट्रांसफर करेगी। अब ये इस साइड ट्रांसफर करेगी तो देखो सी डी लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो हीट कंटेंट होगा वो फिर क्या होगा, वो देखो कैसे कैसे निकालोगी। पहली बात तो ये है कि एन सी बार बाय सिक्स सी डी जो लेयर है उसके मॉलिक्यूल भी एन सी बार बाय सिक्स हैं, उन एक का मास भी हमारे पास एम है। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट जो है आपको वो यूज करनी है सी वी। उसके बाद में इसके लिए हीट कंटेंट कितना है, इसका हीट देखो वो थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा बाय डी जेड है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा थीटा प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख देना लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड, ये आपका आ गया हीट कंटेंट। और ये अपर वाली लेयर है इसको क्यू वन लिखोगे, जैसे कल हमने मोमेंटम निकाला था तो पी वन और पी टू लिखा था, सिमिलरली आज क्या लिखोगे, क्यू वन एंड क्यू टू, ये सी डी लेयर के लिए आ गया, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर आपने ई एफ लेयर के लिए निकाला है तो वो क्यू टू मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके भी सेम है एन सी बार बाय सिक्स है, उसके बाद में एक का मास एम है, स्पेसिफिक हीट आपने यहाँ पे यूज करनी है, उसके बाद में उसका हीट कंटेंट कितना, ये रहा थीटा माइनस लैमडा डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड, इज इट क्लियर और नॉट, इसको हमने क्या लेना है, क्यू टू लेना, ठीक है। ए बी तो आपका बेस था, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने सोचना है कि ऊपर वाले का क्या होगा और नीचे वाले का क्या होगा, और अपर वाली जो लेयर की हीट है वो हमने क्या वन कंसिडर कर ली और नीचे वाले की जो हीट है वो आपने क्या टू कंसिडर कर ली। यहां तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंडल कर लो, नहीं तो टॉपिक फिर लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, ये वाला क्या वन क्या टू बस हमने निकालना है। यहाँ पे है प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या वन क्या टू निकाल लिया, अब जैसे कल निकाला था अब हमने ये निकालना है कि नेट हीट कहां से किस साइड जाएगी। अब नेट हीट तो सीडी लेयर से ईएफ की तरफ ही जाएगी ना, क्योंकि सीडी की हीट क्या है, मोर हीट है, और ईएफ की हीट क्या है, लेस है। तो हमेशा जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉम हाई कंटेंट टू लो कंटेंट, तो नेचुरल जो ट्रांसफर होगा हीट का वो सीडी टू ईएफ होगा। तो अगर आपने ये देखना कितनी हीट ट्रांसफर हुई, वो मान के चलो डेल्टा क्यू है, अब क्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू है, तो इसको इस तरह से लिख लो, थोड़ा सा ये जो लाइन है क्यू की वो थोड़ा सा ओ से बाहर ले आओ, इसको क्यू है, ये आपके पास आ गया क्यू, अपर वाली ज्यादा है क्यू वन माइनस क्या आएगी क्यू टू कर दो, ठीक है। तो ये आ गया क्यू वन माइनस
क्या टू, क्या वन की वैल्यू मैंने बता दी क्या है, क्या टू की वैल्यू ये रही। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो आंसर अगर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये रहा क्या वन क्या टू, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये आ गया मेरे पास डेल्टा क्या, ये रहा डेल्टा क्या, क्या वन की वैल्यू पुट करो, क्या टू की वैल्यू पुट करो, जैसे कल किया था, दो दो अपने पास टर्म कट जाएंगी, बाकी जो बचेगा आपका आंसर ये आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें कोई डिफिकल्टी है, ये तो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, जो कटिंग होने वाली इसको कट कर लेना, बाकी जो है उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। तो अब देखो ये जो हीट आपके पास ट्रांसफर हुई है डेल्टा क्या, ये क्या थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स निकाली है, जैसे नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो सिमिलरली जो हीट निकाली है वो भी क्या है, दैट रिप्रेजेंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे लिख दिया कि इसका मतलब क्या है। तो इसको क्लियर रखना, तो जरूरी नहीं है इसके नीचे ए और टी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर हमने पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थे, तो इट मीन्स जो आपने हीट एनर्जी निकाली है ना वो भी आपके पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि डेल्टा क्या सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी टर्म्स भी हैं, इसको देखो डी थीटा डिवाइड बाई डी जेड, वो डी थीटा डिवाइड बाई डी जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, वो डिपेंड करेगा आपका हीट ग्रेडियंट कितना है, कहाँ पर हीट ज्यादा है और कहाँ पर हीट कम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने यहाँ पे जो फिनोमेना है उसके अकॉर्डिंग हमने बात करनी है, जो आपकी हीट होती है ना, अगर दो लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं तो हीट कितनी ट्रांसफर होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। उसके बाद में दो, मान के चलो दो सिस्टम है, उन दोनों का अंदर टाइम, कितने टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहे, मान के चलो अगर मैं दो लेयर्स कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट लेयर है, लेयर वन है, और ये मेरे पास लेयर टू है, ठीक है। अब इन दोनों के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका एरिया क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो फर्स्ट वाला वन हीट जो लेयर है वो सेकंड वन लेयर के साथ कितना टाइम कॉन्टेक्ट के अंदर रहेगी, कितने टाइम, तो वो चीज टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जितना टाइम ज्यादा होगा, इट मीन्स अगर इसकी हीट ज्यादा है, मान के चलो इसके अंदर जो आपके पास है वो मान के चलो 50 यूनिट हीट है, इसके अंदर 50 यूनिट हीट है, और नीचे वाले के अंदर यूनिट कितनी हीट है, 5 यूनिट हीट है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया, दोनों एक दूसरे के पास कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो क्या होगा कि जो अपर वाली जिसके पास 50 यूनिट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और नीचे वाले की यूनिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने एक बार क्या किया, 5 मिनट के लिए दोनों को ज्वाइन किया, और दूसरी टाइम हमने 10 मिनट ज्वाइन किया, तो किस टाइम के अंदर जो आपका हीट कंटेंट है ज्यादा ट्रांसफर होगा, 10 के अंदर होगा ना, जितना टाइम आपने दोनों को ज्यादा ज्वाइन किया, इट मीन्स उतना ही टाइम दोनों को हीट ट्रांसफर दोनों के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। तो एट मीन्स जो आपका हीट कंटेंट है क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टाइम भी है, और थर्ड वन वो तो हीट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा ना, जो आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जैसे ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने डोनेट कर दिया कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सॉरी कंसंट्रेशन ही हीट ग्रेडियंट, यहाँ पे हीट की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे हीट की वैल्यू क्या है, कम है। अब जितना हीट कंटेंट के अंदर फर्क होगा, कि एक लेयर की तो आप अपने पास हीट बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, और दूसरे के पास हीट कंटेंट बिल्कुल कम है, तो जो ट्रांसफर होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। लेकिन अगर एक के पास थोड़ी सी, एक के पास मान के चलो 6 यूनिट है हीट, और दूसरे के पास 5 यूनिट है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक के पास 60 यूनिट है और दूसरे के पास 5 यूनिट है, तो हीट कंटेंट क्या होगा, फास्टर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये इन तीनों को ऊपर डिपेंड करेगी आपकी हीट, ये तीनों पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों को अगर सम अप करोगे तो आपके पास क्या हुआ, क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टाइम डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड, ठीक है। क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो यहां पे आ जाएगा के एरिया इनटू टाइम आ गया, और साथ में आपके पास आएगा डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने कोफिशियंट, ये जो कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसको निकालना है, यहाँ पे क्योंकि कंडक्टिविटी चल रही है, इसको फाइंड करोगे। अब क्या करना है, क्या डिवाइड बाय क्या कर दो, एरिया इंटू टाइम कर दो, क्या बचा मेरे पास, के डी थीटा डिवाइड बाय डी जेड। अब ये क्या डिवाइड बाय ए इंटू टी क्या है मेरे पास, ये आ गया हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ गया, क्लियर है, ठीक है।
अब ऐसा हमने पहले भी फाइंड किया, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो देखो क्या था, ये रहा मेरे पास अभी ऊपर वाली इक्वेशन में फाइंड किया, ये जो फोर्थ इक्वेशन है, अब इसके अंदर क्या है, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो वही वही वैल्यू है ना। तो अब क्या करना है, जो वैल्यू अभी हमने फाइंड किया जो फिफ्थ इक्वेशन है और जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो क्या करोगे, अगर दोनों कंपेयर करोगे, ये फिफ्थ इक्वेशन है, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो मेरे पास वैल्यू है वो देखो, एक मिनट बच्चे मुझे स्लाइड चेंज करने दो। अब देखो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को, तो क्या होगा मेरे पास, अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को, तो ये क्या की वैल्यू ये थी, ठीक है, और दूसरे के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू आई थी, मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, दोनों को कंपेयर कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमने कल भी कंपेयर किया था और वहां से कटिंग वगैरह करके सॉल्व किया था, सेम एज इट इज सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो ये कटिंग वगैरह करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, बस फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर कर लेना, ठीक है, फोर्थ और ये वाली जो आपके पास इक्वेशन आई है। अच्छा ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर है ये जो था, अब ये एरिया और टाइम इसके नीचे चला गया, एरिया एंड टाइम, तो ये क्या आ गया, क्यू डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू के डी थीटा बाई डी जेड। अब क्या करना है, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है और जो आपकी फिफ्थ इक्वेशन है, इन दोनों को हमने करना है कंपेयर। अब देखो इनको कंपेयर करोगे तो किस टाइप से करोगे, क्या आंसर आएगा, अब कंपेयर करने के बाद में एक साइड आ गया के डी थीटा बाई डी जेड और दूसरी साइड जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो आ जाएगी। अब इसमें डी थीटा बाई डी जेड कट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो के की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपके पास कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने इसका रिलेशन निकालना है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो लैम्डा जो होता है वो हमने कल मीन फ्री पाथ के अंदर किया था, वो क्या होता है, 1/√2π(n)d², ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है, इस लैम्डा की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, तो अगर पुट करोगे तो यहां से मेरे पास वैल्यू देखो, अब जो नेक्स्ट है वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, पुट करने के बाद में जो वैल्यू है वो आ गई ये वाली वैल्यू, ठीक है, पुट हो जाएगी, सिंपल है, यहाँ पे पुट कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें पता है कि जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है, जो हमने वी एवरेज करके लिखी थी स्टार्टिंग में, हमने मैक्सवेल वाला टॉपिक भी किए हैं, उसके अंदर तीन वेलोसिटी स्पीड निकालनी थी, वो आपके पास क्या आंसर आएगा, √8 kT/πm ये वैल्यू थी। तो इट मीन्स कि जो एवरेज स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √T के, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, जो आपका सी बार है ये रहा सी बार, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करके क्या आएगा, जो आपकी कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड कर रहा है आपके √T के ऊपर। जैसे हमने कल किया था, कोफिशियंट जो आयोटा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया था, √T आया था, क्लियर है ना। ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने ये कर लिया कि जो के है वो भी आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, √T के ऊपर। तो इट मीन्स कि आप इन दोनों के अंदर एक रिलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों के अंदर आप एक रिलेशन फाइंड कर सकते हो, और वो रिलेशन आपने कैसे फाइंड करना है, ये देखो, ये जो इक्वेशन है के की वैल्यू ये रही मेरे पास, ये के वैल्यू किसकी आई है, के की वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से वैल्यू किसकी निकालोगे, अगर कल वाला टॉपिक चेक करोगे तो वहां पे जो आयोटा की वैल्यू मेरे पास आई थी ना, वो आपके पास आयोटा की वैल्यू चेक कर लेना, MnC/3 और साथ में आया था लैम्डा, चेक कर लेना। तो अब क्या करना है, ये के की वैल्यू है और ये आयोटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, कंपेयर कर लो या एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे ये सिंपली है, ये आयोटा की वैल्यू ये है MnC/λ/3, यहाँ पे देखो MnC/λ/3 है, तो ये वैल्यू आप उठा के सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया, ये तो के है और आगे सी भी है और उसके साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया। इट मीन्स अगर आपने के डिवाइड बाय आयोटा करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सी भी। तो ये आपका एक रिलेशन है बिटवीन जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशियंट है और जो आपका विस्कोसिटी कोफिशियंट है, उसके अंदर एग्जाम के अंदर ना डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, 8 मार्क्स के अंदर आया था, जब उन्होंने दोनों टॉपिक इकट्ठे पूछ लिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जो आपके पास ये विस्कोसिटी कोफिशियंट है और दूसरा आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशियंट है, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर ये वाला रिलेशन होगा, के बाय आयोटा इज इक्वल टू
सीवी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है, इसको कर लेना बच्चे। अब देखो इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स अलग लिख रखी हैं, ये पी लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है, ये क्या है मेरे पास, जो हमने स्टार्टिंग में मोमेंटम वाला टॉपिक किया था ना, अगर वो केस आपका है प्रेशर के लिए, क्योंकि वहां पे हम वेलोसिटी वगैरह चेक कर रहे हैं कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी मेरे पास क्या है, किसकी ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी मेरे पास क्या है कम है, वहां पर मेनली कंसंट्रेशन वगैरह का डिफरेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर तो आपका प्रेशर जो है वो आपका मेंटेन है, ठीक है, जैसे मैं कंटेनर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास मान के चलो एक कंटेनर है, दो कंटेनर मान लो, एक के पास ए है और एक बी है। अब अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है, पी है और प्री पी प्रेशर है, तो इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यही सिस्टम है और इसका टेम्परेचर भी सेम होगा, इसका टेम्परेचर भी टी है और बी जो है उसका टेम्परेचर भी टी में टी टेम्परेचर है, देन वी विल से दैट कि अब कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्ड जो बचेगा ना वो है अगर हमने दोनों साइड मास भी कॉन्स्टेंट कर दिया कि ए वाली साइड जितना मास है उतना मास किस साइड है, बी वाली साइड है, तब जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। जो हमने कल करना है वो आपका केमिकल पोटेंशियल म्यू से लिखते हैं, वो आपके पास आएगा, दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम आप अचीव करोगे उसके बाद में आप बोल सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो किसके अंदर चला गया, अंडर थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों चीजें अचीव हो जाए, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और केमिकल पोटेंशियल भी सेम है, ठीक है। और ये केमिकल पोटेंशियल है क्या, ये हम कल डिस्कशन करेंगे, कल जो आपका टॉपिक बचा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास वाला जो टॉपिक है वो आपका लास्ट हो जाएगा, तो कल आपके ये दोनों यूनिट कंप्लीट हैं। और इन दोनों यूनिट में मैं 100% श्योर हूँ कि आप 4 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लोगे, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, एक आधा जो पेंडिंग है भी वो उसकी चांस नहीं है कि वो एग्जाम के अंदर आए, तो आपके 4 क्वेश्चंस तो इसके अंदर आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बाकी अब जो फर्स्ट यूनिट है नेक्स्ट 1-2 दिन छोड़ के वो फर्स्ट यूनिट है आपका वो शुरू करेंगे, उसके अंदर मेन टॉपिक करने हैं, 4-5 टॉपिक करने हैं जिससे आपका 5th क्वेश्चन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं ये तीनों कर जरूर लेना, या मेनली सिंपल बात यही है बच्चे कि जो जितने भी टॉपिक करवाए हैं वो आपने सारे करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब सारे पता नहीं एग्जाम वगैरह कब हो या कब नहीं, अगर टाइम बचेगा तब तो दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, अगर टाइम वगैरह ना हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आपके 5 क्वेश्चन एक बार क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इनको कर लेना, बाकी जो आपका बचा है वो हम फिर नेक्स्ट करेंगे, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी क्लियर है, चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।